नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के मॉनसून अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कहां पहुंचा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून और अगले 24 घंटे के दौरान क्या रहने वाली है इसकी स्थिति। मॉनसून की उत्तरी सीमा यानी जिसे हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून कहते हैं, वो इस वक्त करवार, चिकमलगुरु, बेंगलुरु और धर्मपुरी से होकर आगे बढ़ रही है। मॉनसून ने इन सभी भागों में समय से पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मॉनसून की उत्तरी सीमा के आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में सबसे अधिक बारिश का योगदान आया काकीनाडा से। यहां 80 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई है, तो वहीं लॉन्ग आइसलैंड में 60 मिलीमीटर, टूनी में 50 मिलीमीटर और सलीचार और नॉर्थ लखीमपुर में 20-20 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान अगर मॉनसून के प्रदर्शन की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी व्यापक रूप में सक्रिय बना रहेगा और इन भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं भारी वर्षा होने की संभावना सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। तेज दक्षिण भारत में मॉनसून सामान्य रहेगा और इन भागों में आपको हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। फिलहाल मॉनसून अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।